प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मुझे मिल गया था, मैं कुछ दिनों से कोशिश कर रहा था, उनके भी कार्यक्रम लगातार थे, हमारे भी बने हुए थे, तो आज समय उनका मुझे मिला। रूटीन में वैसे कोशिश रहती है, मैं 2-3 महीने में एक बार मिलकर आता हूँ और जो सामान्य जो भी जानकारियाँ होती हैं आदान प्रदान की वो करते हैं। आज के विषयों में मुख्य रूप से जैसा एक तो मैंने समय उनसे मांगा है, निमंत्रण दिया है, हरियाणा में कोई ना कोई एक बड़ा कार्यक्रम करें, उसके लिए कुछ शिलान्यास आदि के भी विषय हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है, जिसमें खास करके एक तो ये जो हमारा अरावली का सफारी पार्क है इसका शिलान्यास बहुत जल्दी हम कराने की स्थिति में होंगे, वो अगर हमें समय मिल जाएगा तो उनके आगमन पर बड़ी रैली भी करेंगे, उसका शिलान्यास कराएंगे। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले का जो एम्स का प्रोजेक्ट है वो भी बहुत दिनों से पेंडिंग था, उसकी सब फॉर्मेलिटी जमीन की हैंडओवर हम कर चुके हैं, तो उसका भी शिलान्यास का निमंत्रण मैंने उनको दिया है, एक ही समय में दोनों भी कराए जा सकते हैं, तो इस नाते से ये कार्यक्रम है। अभी हमारी जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी के नाते से जितनी भी हमारे पास योजनाएं आई थी केंद्र की ओर से वो सब हमने संपन्न की हैं, उसकी भी जानकारी एक एक करके उन्होंने पूछी भी है, मैंने बताई भी है सब जगह की। और करंट जो अभी सिचुएशन बनी है खास करके पिछले 3 दिन से बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी है, कई जगह पानी चढ़ गया है, कुछ जगह को लोगों को इवैक्यूएट भी कराना पड़ा है, हरियाणा में भी बारिश अच्छी हुई है, लेकिन इसका हिमाचल में जो पानी ज़्यादा आया है जिसके कारण से हमारे यहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ है, तो वो भी जानकारी मोटे रूप से मैंने उनको दी है। फिर भी कोई इतना बड़ा कोई इस नुकसान का विषय हमारे हरियाणा नहीं है, हिमाचल तो काफ़ी हुआ, हमारे यहाँ संतोषजनक स्थिति अभी मैं कह सकता हूँ कि जो कल पानी बढ़ने की बातें थी आज वो जो समाचार हमारे पास आए हैं कुछ जगह वही स्थिति बनी हुई है, कुछ जगह पानी रिसीड भी किया है। अगर उदाहरण में देता हूँ यमुना का, तो यमुना में एक बात तो 360,000 क्यूसिक भी पानी टच कर गया, लेकिन अब आज प्रातःकाल से 3 लाख से भी नीचे आ गया है, अब क्योंकि वर्षा कितनी पहाड़ में होती है उस पर निर्भर करता है। छोटी मोटी और जो चीज़ें हैं वो आपको जानकारी बाद में बताऊँगा। कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ संपन्न हो गई हैं, केंद्र की योजनाएं हैं जो उनकी भी उसमें रुचि रहती है, उसकी भी जानकारी मैंने दी है, खास करके प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जिसको हमने लाल डोरा मुक्ति योजना हरियाणा से शुरू कराई थी, बाद में इसको प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत लेके आए। हरियाणा पहला राज्य है जिसने पूरा कम्प्लीट कर दिया, अपना 6,500 गाँव में ये सारा काम कम्प्लीट हो गया है, ये जानकारी मैंने उनको दी है। ग्राम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत नेट परियोजना के अंतर्गत जो गांव में इंटरनेट से जोड़ने की बात थी वो भी हमने हरियाणा में कंप्लीट कर ली है। गांव के अंदर जो पब्लिक सर्विसेज की चीज़ें हैं, चाहे वो ग्राम सचिवालय है, आंगनवाड़ी है, अथवा स्कूल है, कॉलेज है, या इस प्रकार के जो भी PHC CHC ऐसी सब स्थानों पर उस नेट के साथ जोड़ करके हमने हरियाणा को भारत नेट की परियोजना में जोड़कर और एक सूचना प्रौद्योगिकी का ये बड़ा मुकाम जो है ये पूरा कर लिया है। इसी प्रकार हमने ये भी उनको बताया है कि अंबाला कोटपुतली जो ये 152D मार्ग है वो भी ग्रीन फील्ड मार्ग है, उसको भी मैंने उनको कहा कि कंप्लीट हो गया है, चालू हुआ, लेकिन जनता को समर्पित करने के नाते से उस कार्यक्रम को भी हम उनके टूर में जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार मोटे रूप से ये सारी बातें जो उन्होंने जानकारी ली, ये भी ठीक है कि जब मिलते हैं तो कुछ बातें पॉलिटिकल बातें भी होती हैं, प्रदेश की स्थिति भी होती है, बाकी सब पार्टियों की भी स्थितियाँ क्या चल रही हैं इसकी जानकारियाँ वो लेते हैं, वो भी जितनी जानकारी मेरे पास थी सारी जानकारी उनको मैंने बताई है। हाँ, क्योंकि ये जानकारी जो हमको मिली है, मैंने उनको नहीं बताया, उनके पास तो पहले से ही जानकारी ये होगी ही कि जो डिस्टर्बेंस हुई, वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेज मानसून की टाइप की होती हैं और इधर से जो मानसून है, ये संयोग से एक ऐसा अवसर बना है कि यहाँ आकर के और दोनों आपस में मिल गए हैं, और जब दोनों मिलते हैं तो दोनों के पानी का जो बहाव यानी वर्षा का बर्ताव होता है वो बहुत अधिक होता है, ऐसा कभी पहले भी कई वर्षों पहले हुआ है, इस बार भी इस प्रकार की जानकारी मिली है। और अब कल दोपहर के बाद से सायंकाल से ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज और मानसून दोनों मिलकर के गंगेज की तरफ ये आगे बढ़ा है, तो हमारे यहाँ प्रेशर उसका कम है, इसलिए उस प्रकार की ज़्यादा वर्षा नहीं, थोड़ी बहुत होगी, हम आगे ऐसा मान के चलना चाहिए कि सुधार की तरफ आगे जाएंगे।
क्योंकि अम्बाला का जो सारा क्षेत्र था इसके अंदर दोनों साइड की मार पड़ी, उधर से एसवाईएल का जो अधूरी नहर है भले ही, लेकिन जब पानी आता तो उसको बनी हुई में ओवर फ्लो कर जाता है। घग्गर का प्रेशर भी इधर से गया, वो भी साथ मिल गया, और ऐसे जो भाखड़ा नरवणा ब्रांच है वो भी मिल गया, तो तीन नदियां एक साथ मिली। इधर टांगरी का भी पानी आया तो सब ये अम्बाला जिले के आखिरी छोर पर जनसुई के आसपास जाके मिलता है, तो सब ओवरफ्लो कर गई और सबका पानी मिल गया। तो ऐसे 12-13 गांव ऐसे हैं जिस पर प्रभाव पड़ा है, वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है, और जहां जहां स्थान उनको मिलते हैं, सार्वजनिक स्थान काफ़ी स्थानों पर मिले, कहीं वेंकट हॉल मिले, स्कूल मिले हैं, ऐसी जगह पर कहीं हमको अलग से टेंटिंग की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ी है, उन सब लोगों को लगभग 25,000 से 30,000 लोगों को इवैक्यूएट करके अलग स्थानों पर पहुँचा दिया है। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ NDRF और आर्मी सब लोग पहुँचे हैं ताकि उनकी जो व्यवस्थाएँ हैं भोजन की है, पानी की है, और अथवा जो ज़रूरी चीज़ें दैनिक की होती हैं वो सब उनको पहुँचाई जा रही हैं। सामाजिक संस्थाएं भी बहुत काम कर रही हैं, इसलिए पहले 12-14 घंटे में कठिनाई आती है, लेकिन अब आज दोपहर के बाद सब व्यवस्थाएं उनकी ठीक हो गई हैं, कोई कठिनाई नहीं है। यमुना का मैंने बताया पानी काफ़ी कम हुआ है, फिर भी जो पानी हथनीकुंड से छोड़ा जाता है उसका असर धीरे धीरे आगे होता, तो आज पानीपत में एक जगह ब्रिज हुआ था तो पानीपत का भी अब कंट्रोल कर लिया गया है। ऐसे ही बाकी नदियों का पानी भी आगे कैथल में और बाकी स्थानों पर धीरे धीरे उसका जो असर बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि फैलाव हो जाता पानी का तो उतना उसका नुकसान नहीं होता है, तो इसलिए वो जो मूल में जहाँ जहाँ सोर्स होता है उस जगह पर नुकसान ज़्यादा होता है। पंचकुला में भी जैसे कुछ पुल टूटे हैं, और एक तो यानी हमारा जो पंचकुला के अंदर DLF कॉलोनी का जो फ्लाई पुल है अंदर जाता है वो भी टूटा है, बद्दी पिंजौर के रास्ते में जो दो पुल आते हैं वो टूटे हैं, तो ऐसे जो नुकसान हुए हैं। मोरनी क्षेत्र के अंदर भी लैंडस्लाइडिंग काफ़ी हुई है, लेकिन अब वर्षा चूंकि रुक गई है, आज दिन में धूप निकली है, मैं समझता हूँ सभी विभाग अपने अपने तौर पर उन चीज़ों को ठीक करने के लिए आगे निकलेंगे, और आने वाले 24-48 घंटे में चीज़ें सामान्य होने की आशा है। अब भी एकदम नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ चीज़ें हैं, कहीं सड़कों को नुकसान हुआ है, कहीं नहरों को हुआ है, कहीं ओवरफ्लो हुआ है, तो बांध भी बनाने पड़ेंगे। हाँ, जाने अभी तक 5 व्यक्तियों की गई हैं, ऐसा जो आज दोपहर तक मुझे जानकारी थी, तो उस नाते से, लेकिन इसका सारे का आंकलन अब सब जिले कर रहे हैं, और इस समय तो क्योंकि राहत की तरफ ज़्यादा ध्यान है, जहाँ भी कोई यानी नुकसान, जानी नुकसान के अलावा कई बार माली नुकसान होता है, कोई मकान गिरे हैं, कोई और, वो सारा आंकलन करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ हरियाणा की जनता को कि किसी का भी कोई भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी। राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र में भी कैबिनेट की जो चीजें चल रही हैं, जितना असर आप बता सकें कि हरियाणा में फॉलोअप स्टोरीज के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं, उस बारे में कोई चर्चा नहीं? कोई फॉलोअप स्टोरी की आपको चिंता नहीं है, जो भी कुछ होगा आपके लोग आपके माध्यम से जनता को जरूर बताया जाएगा। हमारा बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छे प्रकार से चल रहा है, और सब चीजें अगली सरकार को बनाने के लिए जैसा एक वातावरण हमारा बन रहा है, कांग्रेस के लोग सपना लेना छोड़ दें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सपने वो देखते हैं, रात को तो दुनिया देखती है, वो दिन को भी देखते हैं, तो इसलिए ये सपने लेना छोड़ दें। जिस प्रकार का उन्होंने 10 वर्ष पूर्व चाहे केंद्र में जो उनकी कारनामे थे, चाहे प्रदेश में कारनामे थे, वो सब जनता को आज भी याद हैं, इसलिए जनता कभी भूल करके भी उस चक्र में कुचक्र में दोबारा नहीं फंसेगी। उनको एक अच्छा शासन, एक उचित शासन, एक पारदर्शी शासन वो चाहिए, अभी भी चल रहा है, आगे भी उसी की अपेक्षा जनता करती है, इसलिए किसी प्रकार का कोई राजनीतिक इस प्रकार से विषय नहीं है जो आगे कोई बात ऐसी कोई होने वाली हो जिसके कारण से आपको स्टोरी बनानी पड़े, आपको कोई स्टोरी बनानी पड़े। खबर आती है कई बार कोई सीन का चेहरा बन जाता है, सुंदरगढ़ का कोई बन जाता है, SR के नया आ गया, उनके तीन नेता मिलके दो प्रदेश अध्यक्ष नेता कहीं और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक कहावत है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो वो अपने उम्मीद जगाए रखते हैं, अगर उम्मीद नहीं जगाएंगे तो जो थोड़े बहुत लोग आज बचे हुए हैं वो भी नहीं बचेंगे, वो भाग जाएंगे, इसलिए अपने यहाँ अपने लोगों को बांधे रखने के लिए कुछ ना कुछ उम्मीदें जगानी पड़ती हैं, वो जगाते हैं और इतना सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, इसलिए उसकी कोई समस्या नहीं है। एक विषय और आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो ये कि अभी इस समय कांवड़ का भी सीज़न चल रहा है, और कांवड़ के सीज़न में बहुत बड़ी मात्रा में कांवड़ के लोग हमारे रास्तों से हरियाणा के भी होते हैं, राजस्थान के होते हैं, पंजाब के भी होते हैं, कई प्रदेशों के जो कांवड़िए हैं वो हरियाणा में से होकर निकलते हैं। हमने सारी व्यवस्थाएं सब बनाई हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सब लगा है, फिर भी मेरी अपील कांवड़ के लोगों से भी है कि शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ें, कोई किसी किस्म कठिनाई आती है तो वहाँ हमने
कैंप्स लगाए हुए हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं, उनकी व्यवस्थाएं रास्ते में जिस भी प्रकार की आवश्यकता वो हमने की हुई है, फोन नंबर भी दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को वो बताएंगे तो तुरंत उनकी सहायता होगी। ट्रैफिक के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि भीड़ में कई बार ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं होता तो आशंका दुर्घटना की भी होती है, तो उससे बच करके चलें। जो रास्ते बनाए गए हैं उन्हीं रास्तों पर चलें, ऐसा मेरा निवेदन है। और जनता और ख़ास करके जो कुछ संस्थाएं एनजीओस जो उनकी सेवा के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके लिए व्यवस्थाएँ करते हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि कांवड़ के लोग एक प्रकार से श्रद्धालु लोग हैं, उनके प्रति उसी प्रकार का भाव रख करके उनकी मदद सबको करनी चाहिए, ऐसा मेरा आपके माध्यम से जानकारी उनको दे। ऐसा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ही इसका निर्णय करेंगे, क्योंकि आज जो हमने कह दिया है, मैं लिखित भी देकर आया हूँ और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय हमसे संपर्क करते हैं। मैं मानता हूँ कि वर्षा तक तो हम भी उसको नहीं कराना चाहेंगे, वर्षा समाप्त होती है 15 अगस्त तक तो समाप्त होती है, 15 अगस्त के बाद सितंबर के महीने में कभी भी उनका समय मिलेगा तो हम एक अच्छा बड़ा बढ़िया कार्यक्रम करें। हम चूँकि हमने जो PMC उसका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट तय करना है, दो पार्टियां उसमें आई हैं, उन दोनों से बातचीत चल रही है और उसमें से एक हमको फाइनल करना है। आज भी एक मीटिंग थी चंडीगढ़ में, तो उसमें से फाइनल करके फिर वो अपना काम शुरू कर देंगे और एक महीने के अंदर अंदर कभी भी शिलान्यास उसका, आखिर काम कोई भी पार्टी करे, 3 फेज में अलग अलग काम होना है तो काम कोई भी करेगा, लेकिन शिलान्यास जो आखिर हम उसका, क्योंकि बाकी सारी चीज़ समाप्त हो गई है, केवल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, टेंडर होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन शिलान्यास कभी भी उसका हो सकता है। मैं तो कहता हूँ अगर वो हरियाणा में ही इतना उनको शौक है तो यहीं रहें, कहीं और जाने की आवश्यकता क्या है। अगर यहाँ वो रहेंगे तो शायद जो बाकी हरियाणा वालों का जंगल जमेटा है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी वो कुछ बने तो है नहीं, यहाँ आकर के अपना दावा बहुत पेश कर दें राहुल गांधी, तो क्या दिक्कत है। धन्यवाद।